माई नेम इज़ राहुल एंड आई एम फ्रॉम मेरठ। तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बी कॉम फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी, सी एस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। यस मैम, लास्ट ईयर मैम मैंने बैंक में अप्लाई किया था, एक्सिस बैंक नियर नोएडा सेक्टर 125। तो मैम उसमें हो गया था, पर उसमें ओवर टाइम करना पड़ता था रात को 10-10, 11-11 बजे तक, तो वो हमारे लिए कंपेटेबल नहीं था। और काम किस तरह का था, जो आपकी फील्ड का था, आपके इंटरेस्ट का था? मैम इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, वो ज़बरदस्ती करना पड़ता था। किस तरह का काम था, मतलब बीकॉम? मैम जो लोन फाइल्स थी उनको उसमें कंप्यूटर में अपडेट करना पड़ता था, दैट्स इट। अच्छा ओके, मतलब आपकी पढ़ाई से संबंधित काम नहीं हो रहा था? मैम थोड़ा बहुत लिंक था पर इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर क्या किया? मैम फिर वो जॉब मैंने छोड़ दिया। फिर मैम मुझे पता लगा कि यहाँ पे ऐसे कोर्स होता है। आपने मुझे बताया था कि आपने तैयारी भी करी। यस मैम, मैंने थ्री इयर्स मैंने प्रिपरेशन किया है SSC का, पर मैम उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। कभी पेपर लीक आउट हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो इस साल SSC का पेपर अभी हुआ पिछले 2 साल में। तो ये था, फिर मैम वहाँ पे भी कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था। मतलब 3 साल आपने मेहनत करी और yes, आपको तब भी लगा कि रिजल्ट नहीं आया? यस मैम। किस किन किन दिक्कतों का सामना तब करना पड़ा, 3 साल बहुत? मैम सबसे ज़्यादा तो मैम पेपर लीक आउट बहुत ज़्यादा होते थे। बस दिक्कत मेन यही थी सारी, पेपर जो लीक होते थे। पेपर लीक होते थे तो फिर दोबारा री एग्जाम्स वगैरह? मैम री एग्जाम्स भी होते थे, पर वो जो सेशन कैंसिल भी हो जाता था। अच्छा, ऐसे होता था। तो अभी आई थिंक SSC के एग्जाम अभी चल रहे हैं। हाँ। वो 2 साल में हुए हैं अभी। 2 साल बाद? यस मैम। तो मतलब आपको लगा कि वहाँ भी आप स्कोप है? यस मैम। और फिर आगे, फिर अभी उसके बाद अब क्या लग रहा है, आप अपनी ही फील्ड की कहीं नौकरी पा पाएंगे? मैम फील्ड की नौकरी तो नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्टार्टअप के लिए इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब की नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इतना नहीं मिल रहा मुझे जो होना चाहिए था, उसकी वजह से अपना स्टार्टअप ही करना पड़ेगा। और क्या? तो गवर्नमेंट जॉब्स में किसी एग्जाम की तैयारी करी आपने? किया था 2017 में, मैंने SSC के लिए किया था। हाँ। लेकिन स्कैम के कारण फिर इतना लॉन्ग डिस्टेंस तो मैं नहीं दे सकता जब SSC स्कैम हुआ था। उसके बाद इतना नहीं किया, अब 2 साल, अब जाके पेपर हुआ उसका भी नेक्स्ट इसी मंथ हुआ शायद, इतना 2017 के बाद। हाँ, अब जाके पेपर हुआ है तो पेंडिंग में था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो इतना आप लंबा गैप कैसे दे दोगे किसी फैमिली को या कैसे भी करके? तो मुझे तो सपोर्ट चाहिए, पैसे चाहिए। हाँ। भाई घर भी अपनी फैमिली मेंटेन करनी है, तो उस हिसाब से बस। और प्राइवेट जॉब्स उनका? प्राइवेट जॉब का यही है कि फ्रेशर के लिए अगर आप कहीं भी जाते हो तो वो हायर नहीं कराते। हाँ। स्टार्टिंग 10-12 हज़ार रुपये जितना भी है, वो सीन नहीं है मैम उनका, जो होना चाहिए था। तो ज़रूरी लगा कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करे? नहीं मैम, मुझे नहीं लगा। मैंने गया था एक्चुअली, ट्राई करने गया था मैं, गलगोटिया वगैरह में गया था, कई यूनिवर्सिटीज में मैंने ट्राई किया, गलगोटिया, GLA, MIT वगैरह में गया था MBA के लिए। लेकिन उनके फीस चार्जेस के हिसाब से ना, मैं कर भी लूँ एक तरीके से अपना जैसे भी फाइनेंस वगैरह देख के, लेकिन मैम उस हिसाब से मुझे वो नहीं दे पाएंगे जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि वो उनकी सैलरी वही रहेगी 20-22 हज़ार रुपये स्टार्टिंग, मुझे जहाँ तक पता है।